ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक फीड कर देते हैं पार्शियली, तो कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है, वो सारे क्वेश्चंस अपन देख रहे थे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते थोड़ा आज अपन, तो कुछ उसी टाइप के एक दो क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, जो भी अपन ने पढ़ा था उसमें कुछ डाउट आपको, कुछ भी थ्योरी में प्रॉब्लम लग रही हो आपको, कुछ भी डाउट हो बताइए। सबसे पहले तो कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, बोलिए जल्दी। कोई भी डाउट किसी बच्चे को, चलिए किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास। सर, अगर एक चार्ज कैपेसिटर के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करे देन क्या कांस्टेंट रहेगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिचुएशन समझना पड़ेगी कि क्या दिया गया है। नॉर्मली अगर ऐसा बोला है आपको कि कैपेसिटर चार्ज करके बैटरी रिमूव कर दिए, बैटरी अगर रिमूव कर दिए तो चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि चार्ज अब कहा जा सकता है, और अगर बैटरी कनेक्टेड रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट होगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया उससे समझ के कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो सर, उस क्वेश्चन में ई ए बाय डी लगाने है, पता नहीं क्या लिखा है उस क्वेश्चन में, ई ए बाय डी लगाना है। कल के लास्ट क्वेश्चन में सीरीज में क्यों नहीं करना था? उसमें मैंने आपको बताया था ना कि उसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है ना वो पैरेलल में अलग अलग होती है, मतलब जहां पे डायलेक्ट्रिक एरिया डिवाइड करता है वहां पे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है, और अगर आप सीरीज में काट दोगे तो उसमें ये वाली मिस्टेक हो जाती है। सीरीज में कट करने पे क्या होता है कि अपन चार्ज डेंसिटी एक जैसी मान लेते हैं, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, यशवर्धन बोल रहा है सर उन्होंने देखो क्वेश्चन में कुछ तो लिखा होगा, जो लिखा होगा वो पढ़ के समझेंगे अपन, है ना। क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो समझना पड़ेगा अपन को, तो जब क्वेश्चन आएगा तब अपन सॉल्व करेंगे ऐसी चीजों को, ठीक है। जैसे हवा में अपन ज्यादा चीजें बात नहीं कर सकते, लैंग्वेज जो लिखी है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे अपन। चलो, तो क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं अपन। कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले क्वेश्चन चल रहे थे अपने, और आपने जो बैटरी वाला क्वेश्चन पूछा ना कि बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, वो करेंगे आज अपन, ठीक है। तो हाँ, वैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, यस। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ आपको डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, और इसमें हमने एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है। डायलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से इंसर्ट करा है, ये हमारे पास के डायलेक्ट्रिक, के इक्वल टू टू, टू का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है एक मीडियम है, और उसके अलावा बाकी सब जगह फोर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मीडियम भरा हुआ है। यहाँ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फोर है, तो दो तरह के डायलेक्ट्रिक फिल करे, देखो मैं दो तरह के डायलेक्ट्रिक फिल करे यहाँ पे, फोर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और टू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और जो मैंने डायलेक्ट्रिक फिल करे ना वो दोनों ही डायलेक्ट्रिक में जो बीच वाले डायलेक्ट्रिक है उसका एरिया ए बाय टू है, और बड़े दूसरे वाले डायलेक्ट्रिक का टोटल एरिया ए है, लेकिन उसके बीच में ए बाय टू एरिया की गैप थी, है ना। और ये जो टू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इसकी विड्थ डी बाय टू है, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कि ये डिस्टेंस डी बाय टू है एंड यहाँ जो एरिया है वो ए बाय टू है। चलो करो ट्राई इस क्वेश्चन का, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करिए। चलिए चलिए इस क्वेश्चन की इस कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करना है आपको। ओके, मेरे पास एक आंसर भी आ गया है, देखते हैं अपन, बाकी बच्चे भी करें जल्दी से।
एक आंसर हो रहा है, दो तीन बच्चों के और आंसर आए, वेरी गुड। चलो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन से मैंने बताया था कि पहले हमेशा पैरेलल में कट करो, बाद में सीरीज में कट करो। तो पहले इसको पैरेलल में कट करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा डायग्राम ऐसा अलग सा दिख रहा था, तो काम करते इसको ना अपन यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं, तो सिर्फ तीन कैपेसिटर दिखने लगेंगे पैरेलल में। और मुझे यहाँ दोनों जगह सेम मीडियम दिख रहा है, यहाँ पे पूरे जगह पर मुझको फोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पर पूरी जगह पर फोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिख रहा है, और ये एरिया अगर ए बाय टू था तो बचा हुआ एरिया भी ए बाय टू होगा। तो इन दोनों को मैं साथ में ही दिखा देता हूँ, है ना, उन दोनों को मैंने साथ में दिखा दिया। तो मैंने ऊपर के दोनों जो ऊपर और नीचे के ए बाय टू ए बाय फोर ए बाय फोर जैसा एरिया जो लग रहा है उनको मैं साथ में दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल यहाँ पर के इक्वल टू फोर का मीडियम फील्ड है ए बाय फोर ए बाय टू एरिया में, ठीक है। और ये बीच वाला जो एरिया है ना उसको है नीचे दिखा देता हूँ, इसको तीन पोर्शन में दिखा देंगे अपन, तीन या दो में भी दिखा सकते हैं अपन, डायरेक्टिव को आगे पीछे करने से कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो यहाँ पे टू और फोर ऐसा दिखा दिया, डिस्टेंस डी बाय टू एंड डी बाय टू, और ये दोनों कैपेसिटर जो बनेंगे अब हमारे पास पैरेलल में होंगे। देखो सबसे पहले मैंने करा क्या है समझो अच्छे से, मैंने कैपेसिटर को यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करा, और ये नीचे का और ये ऊपर का जो पोर्शन आएगा ना इनको साथ में दिखा दिया, नीचे के और ऊपर के पोर्शन को मिलाकर टोटल एरिया ए बाय टू होना चाहिए, तो ए बाय टू एरिया मैंने यहाँ साथ में दिखा दिया, देखो ठीक है। और फिर जो बीच वाला पोर्शन था ना, अब डायरेक्टर को आगे पीछे शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये और ये हिस्से की विड्थ मिलाकर टोटल डी बाय टू है और ये बीच में डी बाय टू है, तो जो बीच वाला डी बाय टू है ना उसको एक तरफ दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सब कुछ सही आएगा इससे। चलो बस अब इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो लिखते जाओ ऊपर की कैपेसिटी क्या होगी, डायरेक्टली कांस्टेंट 4 है, 4 टाइम एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस, तो ऊपर आ रहा है देखो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसको मान लेते हैं 2 सी लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को सी मान लेते हैं। नीचे ये दोनों सीरीज में होंगे, सी वन सी टू सीरीज क्या होगा इनका, तो 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस ये हो जाएगा सी वन, और इसकी सी टू होगी 4 टाइम एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस। तो देखो ये हो रहा है 2c और ये हो रहा है 4c, ठीक है, 2c और 4c का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 2c कॉमन लिया, 1 into 2 upon 1 plus 2, तो 2 by 3, और ऊपर वाला कैपेसिटर 2c इसमें सीरीज में ऐड हो जाएगा, 2c कॉमन लो, 2 by 3 plus 1 will be 5 by 3, तो 10 by 3 epsilon naught a by d, ये आ गया आंसर, 10 by 3 epsilon naught a by d। कई बच्चों का मुझे आंसर दिख रहा है, कई बच्चों का ये नहीं दिख रहा है, जिनके भी गलत आए उनको समझ में आ रही है गलती क्या हो रही है आपकी। पहले हमेशा पैरेलल में काटना है, बाद में सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो वेरी गुड, ठीक है, तो अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट, है ना। अगला क्वेश्चन, ये कैपेसिटर है जिसमें डायलेक्ट्रिक फिल कराया मैंने, और जो डायलेक्ट्रिक मैंने फिल कराया ना उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, आप लिख सकते हो इसको द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज वेरिएबल, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, एक सेकेंड मेरे पास कुछ डाउट आया है, एक मिनट, क्या लिखा है सर सेकेंड कट में, एक मिनट रुकिए, हाँ सर सेकेंड कट में दो मीडियम सीरीज में ऐड नहीं होंगे, तो सीरीज में ऐड करा तो है मैंने इन दोनों को, देखो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करके तो निकाला है मैंने ये, है ना, ये इस वाले पोर्शन की मैंने कैपेसिटी निकाली, इस वाले पोर्शन की कैपेसिटी निकाली, फिर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करा यहाँ पे, ठीक है। और एक आया कि नहीं सर सेम मीडियम डी बाय फोर लेंथ के, तो डी बाय फोर लेंथ यहाँ ये जो डी बाय फोर और ये डी बाय फोर है इनको तो मैं डायरेक्टली एड डी बाय टू कर सकता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
डी बाई टू और डी बाई फोर को डी बाई टू कर सकता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक मेरे पास डाउट लिखा है डी बाई टू ए एंड डी बाई टू ए बाई टू सीरीज में ले सकते हैं, यशवर्धन आपने कुछ लिखा है वो जो क्लियर नहीं हो रहा है, क्या लिखना चाह रहे हो आप? आपने लिखा है चार डी बाई टू ए एंड दो डी बाई टू ए बाई टू सीरीज में ले सकते हैं, ये क्या लिखना चाह रहे हो आप? इसमें चार डी बाई टू ए ये क्या है? सर k इक्वल टू फोर विथ ए एन डी बाई टू, तो k इक्वल टू फोर विथ एरिया a तो है ही नहीं ना यहाँ पर, आप ध्यान से देखो k इक्वल टू फोर का जो मीडियम है उसका यहाँ एरिया a है, लेकिन वो पूरे सब जगह पर थोड़ी फील्ड है, वो उसमें बीच में k इक्वल टू टू का मीडियम भी तो है, तो आपको ऐसे कट करना ही पड़ेगा। अब कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा माइक हो तो बोल के बात करो अच्छा रहेगा। चलो अच्छा क्लियर है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर है ना कुछ भी, देखो मैं एक और चीज समझा रहा हूँ, कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब नहीं करना है, गलतियां कर सकते हो आप, तो जो सिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करो, ठीक है। एक बार अच्छे से आपको चीजें आ जाए, ये तरीका समझ में आ जाए, उसके बाद फिर जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत आप इसमें मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आप नए तरीके ढूंढो चलेगा। शुरुआत में भी सीखते समय कुछ भी नया तरीका नहीं लगाना है, जो सिखाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक वैसे ही करने की कोशिश करो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन में दे रहा था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भरा हुआ है, ये जो मैंने मीट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है ना, ये वेरिएबल, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो एक एज से एक डिस्टेंस पे जाके यहाँ देखे, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ऐसा है के नॉट इंटू एच बाय एल प्लस वन, देन एल पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस एल है, ठीक है। ये सिस्टम है, ये जो प्लेट्स है इनका एरिया ए है, एरिया इज ए, प्लेट्स का एरिया ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल भरा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? एक प्लेट से एक्स डिस्टेंस पे जाके देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये देखो मैंने दे रखी है। चलो इस सिस्टम की कैपेसिटी निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आएगी यहाँ पर, करो ट्राई करो। चलो समय का आंसर आ गया, वेरी गुड।
काफी बच्चों के आंसर में आ रहे हैं क्वेश्चन, आंसर आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। आपको इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए तब आपको समझना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक कैसे वेरी कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक जैसे हम यहाँ आगे जा रहे हैं वेरी कर रहा है, तो एक काम कर सकते हैं अपन एक्स पे जाके डीएक्स की स्ट्रिप ले सकते हैं, यहाँ पर एक डीएक्स की स्ट्रिप ले सकते हैं। फिर जितनी भी स्ट्रिप्स होगी ना ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड होगी वो सोचो, ये सब सीरीज में कनेक्टेड होगी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर सीरीज में मान सकते हैं। तो इसकी छोटी सी कैपेसिटी निकालो पहले कितनी है, तो फिर सीरीज में होने से सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट वो आता है 1/ छोटी छोटी कैपेसिटी का इंटीग्रेशन, 1/C का एडिशन, तो 1/DC का इंटीग्रेशन करके 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे करते हैं अपन। बस अब छोटी सी कैपेसिटी डीसी कितनी होगी वो लिखो, इट शुड बी एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया तो ए दिया था, अपॉन मिड डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन यहाँ डीएक्स ले लेंगे, छोटी सी डिस्टेंस डीएक्स ले लेंगे, और यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के, तो ये डीसी की वैल्यू आ गई। बस ये डीसी की वैल्यू यहाँ रखो और सॉल्व कर दो, तो डीसी की वैल्यू रखोगे तो ऊपर देखो अब डीएक्स आ जाएगा, नीचे के की वैल्यू रख देता हूँ मैं, के नॉट फिर एप्सिलॉन नॉट ए है ना, ये सब न्यूमरेटर में के नॉट और इनटू में एक्स बार एल प्लस वन। अब इसे सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से, और एक्स की वैल्यू 0 टू एल वेरी कर रही, तो इसको इंटीग्रेट वगैरह कर लो, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/k0 एप्सिलॉन नॉट और एरिया, ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ln में आ जाएगा इंटीग्रेशन, वहां पे लिमिट लगा दोगे तो ln2 आ जाएगा बस। तो c इक्विवेलेंट इसको इन्वर्स कर दो, k0 एप्सिलॉन नॉट a बाय l इनटू ln2, ये आ गया फाइनल आंसर। पहले छोटी सी कैपेसिटी लिखी मैंने, छोटी सी कैपेसिटी, और फिर ये सारी कैपेसिटी सीरीज में है, तो सीरीज में इन्वर्स करके ऐड करना होता है, तो इन्वर्स करके इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो नारायण चलो, कई बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना चाहते हो आप, देख लो अच्छे से। चलो अब एक एससीवी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीवी का क्वेश्चन है। देखो ये K1 K2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दो मीडियम फिल करे हुए हैं, और कैसे फिल करे हुए देखो दिख रहा है आपको अच्छे से, ये जो कैपेसिटी की प्लेट है ना वो स्क्वायर शेप की है, वो बी इंटू बी एरिया उसका बी इंटू बी है, मतलब कि ये हाइट भी है और डेप्थ भी है। जो प्लेट है उसको अगर तुम साइड से देखोगे तो तुम्हें बी बाय बी एरिया दिखेगा, बी बाय बी साइज की दिखेगी, वो कुछ ऐसा दिखेगी प्लेट, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बता दिया मैंने, K1 K2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे भरे हुए आपको दिख रहा है साफ साफ, बताओ इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आएगी, करो। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो यहां, सारा क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, यस बिल्कुल सही गोपाल, करो सही बोल रहे हो आप बिल्कुल।
यहाँ पर आपको सबसे पहले तो छोटी छोटी कैपेसिटीज कुछ कंसिडर करना पड़ेगी। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो इस तरह से जाने पर भी चेंज हो रही है और ऊपर से नीचे आने पर भी चेंज हो रही है। आप अगर डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस भी यहाँ डिवाइड हो रही है और एरिया देखो तो एरिया भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, कैसे हम एलिमेंट ले, छोटा सा कैपेसिटी का डीसी का एलिमेंट कैसे ले, किस तरह का एलिमेंट ले, मैं एकदम ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप जैसा एलिमेंट लू कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जैसा एलिमेंट लू। सबसे पहले तो ये सोचो वर्टिकल स्ट्रिप लू कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लू। गगनदीप बोल रहा है हॉरिजॉन्टल, सर्वेश भी बोल रहा है हॉरिजॉन्टल, सोहम भी बोल रहा है हॉरिजॉन्टल वायर, वेरी गुड, सभी बच्चे हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। क्यों, क्या लॉजिक लगा के बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल? पैरेलल डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही है ना। हम सबसे पहले जब एरिया डिवीजन होता है तो पहले एरिया डिवीजन करेंगे, डिस्टेंस डिवीजन एरिया डिवीजन दोनों दिख रहा है लेकिन पहले हम एरिया डिवाइड करते हैं, पहले हम हमेशा पैरेलल में कट करते हैं कैपेसिटर्स को। तो इसलिए यहाँ पर है ना पैरेलल में स्ट्रिप लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मान लेते हैं ऊपर से कुछ नीचे डिस्टेंस पे आ गए, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ y है, तो y डिस्टेंस पे आके यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिप काट लेते हैं dy विड्थ की, dy विड्थ की ऐसी स्ट्रिप काट देते हैं, ठीक है। अब ये dy dy स्ट्रिप की बहुत सारी जो स्ट्रिप होगी ना ये सब आपस में पैरेलल में हो जाएगी। तो किसी एक स्ट्रिप को पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे किसी एक स्ट्रिप का यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ हिस्से में तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 फील्ड है और कुछ हिस्से में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 फील्ड है। यहाँ पे K1 डायलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ K2 डायलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इसकी जो हाइट ली है हमने dy कंसिडर करिए हाइट, ये हाइट इसकी dy है। इसकी डेप्थ कितनी होगी, ये जो स्ट्रिप है अपन ने इसे अंदर डेप्थ भी होगी ना इसकी, तो इसकी जो डेप्थ कितनी होगी बताओ, बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। ये जो स्ट्रिप है अगर मैं 3D डायग्राम में इसको दिखाने की कोशिश करूं तो स्ट्रिप कुछ ऐसी है, यहाँ पर अपन ने ऊपर से नीचे y हाइट पे जाके ऐसी dy की स्ट्रिप ली है और ये डेप्थ जो होगी इसकी बी होगी। तो इससे छोटा सा एरिया जो होगा यहाँ पे हमको एरिया जो दिखेगा वो दिखेगा b into dy है ना। अब इसमें बात आई कि कितने डिस्टेंस में डायरेक्ट्री कॉन्स्टेंट K1 है और कितने डिस्टेंस में डायरेक्ट्री कॉन्स्टेंट K2 है, ये डिस्टेंसेस निकालना है मुझको। मान लेते हैं डिस्टेंस x है तो बची हुई ऑफकोर्स l माइनस x हो जाएगी क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस l थी, तो ये x तो ये l माइनस x। अब ये बात आई कि x कैसे निकाले, तो x कैसे निकाले कुछ दिमाग में आ रहा है क्या आपके, x कैसे निकाले? मैंने डिस्टेंस x बोली है, ये बड़े डायग्राम में देखो ये डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया है, ये x है और ये बची हुई l माइनस x है। अब ये x कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे एक ही वेरिएबल y के टर्म में सारी चीज चाहिए तो मैं y के टर्म में निकालना चाहूंगा x को, कैसे निकालूं? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल सही है ना। इस बड़े ट्राइंगल में देखो ये डिस्टेंस को मैंने x माना है, तो दिस x अपॉन ये y, x अपॉन y, दिस शुड इक्वल टू दिस डिस्टेंस l अपॉन b। ध्यान से देखो उसमें x अपॉन y, दिस शुड बी l अपॉन b, सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से। ये वाले एंगल के सामने देखोगे तो छोटे ट्राइंगल में x और ये y इनका रेशो शुड इक्वल टू बड़े ट्राइंगल में ये देखो ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस b का रेशो। तो यहां से x आ गया देखो मेरे पास y के टर्म में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है मेरे पास बची हुई, अब इस छोटे से कैपेसिटर की छोटी सी कैपेसिटी लिखी जा सकती है। यहाँ पे दो पोर्शन सीरीज में है तो सीरीज में c1 c2 अपॉन c1 तो c2 करना पड़ेगा मुझको, तो इसलिए मैं 1 अपॉन c लिख देता हूँ। 1 अपॉन c हो जाएगा c1, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। 1 अपॉन c1 वो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस x है और डायरेक्ट्री कॉन्स्टेंट यहाँ पे k1 मल्टीप्लाई हुआ है। 1 अपॉन c2 डिनोमेटर में लिखेंगे k2 टाइम एप्सिलॉन नॉट एरिया और वहां पे डिस्टेंस l माइनस x है। ये 1 अपॉन dc की वैल्यू आई, इसको सॉल्व करके dc निकालो कितना आएगा और फिर dc का इंटीग्रेशन कर लो क्योंकि सारे dc पैरेलल में अटैच है, तो c इक्वलन दिस शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dc, वेरिएबल कौन है y व्हिच इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू b। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया क्या करना है, ये डीसी समझ में आया मैंने कैसे लिखा, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में दोनों का इन्वर्स करके ऐड करके 1 अपॉन डीसी आएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर अब ये आगे इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, इतनी चीजें तो मैंने बता दी है, अब इसको आगे आप लोग खुद करेंगे और आंसर चेक कर सकते हो, एसक्यूएल में दिया है क्वेश्चन तो देख सकते हो वहां से, ठीक है। चलो तो ये हमने कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक फिल करने वाले क्वेश्चन देखे, ये सब अभी मैंने आपको ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले बताए, स्फेरिकल वाले नहीं बताया अभी, सिलेंड्रिकल वाले भी नहीं बताया, ठीक है। वो भी क्वेश्चन करेंगे अपन, और उनको करने के लिए थोड़ा मैंने लॉजिक आपको शुरू में बता दिया था, जब हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर तब कुछ मैंने आपको चीजें बताई थी वहां पे, वहां के लॉजिक थोड़ा याद रखोगे तो कर पाओगे, तो वो रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन वैसे क्वेश्चन, ठीक है। आज अपन कुछ आगे की चीज पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें क्लियर है, हटा दो ये, ओके। तो आज मेरे से एक डाउट पूछ रहा था, शायद यशवर्धन ही पूछ रहा था, नाम में भूल गया, तो डाउट ये था कि कैपेसिटर में हम शायद उसमें डिस्टेंस बढ़ाई थी तो क्या कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन और आते हैं, मैं दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा, तो आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करता हूं, लिखो। अब पैरेलल प्लेट क्वेश्चन लिखिए आप, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, is connected to a battery of potential difference V. A parallel plate capacitor with air between the plates is connected to a battery with potential difference V. A dielectric slab which exactly fits between the plates, a dielectric slab which exactly fits between the plates can be inserted into capacitor. A dielectric slab which exactly fits between the plates can be inserted between the capacitor. So diagram samajh aa raha hai aapko, ho kya raha hai ki ek parallel plate capacitor hai, V potential difference ke cell se laga rakha hai, dielectric slab mein insert kar sakta hu. Dielectric slab insert kare bina kuch quantity hai, और इंसर्ट करने पे वो क्वांटिटी की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी बताना है, ठीक है। मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, बिफोर स्लैब एंड आफ्टर स्लैब, स्लैब डालने से पहले और स्लैब डालने के बाद उन क्वांटिटीज की वैल्यू आपको बता के जाना है। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, पहली क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने के पहले, बिफोर स्लैब एंड डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, मैं यहां पे क्वांटिटी लिखते जाऊंगा, उनकी वैल्यू क्या आएगी आपको बताते चलना है। यू कैन एज्यूम कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है ना, कैपेसिटी सी मान सकते हो। चलो पहली क्वांटिटी मैंने पूछी पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सेम, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है डिक्रीजेस, डिक्रीजेस वाला जवाब गलत है, बैटरी लगी हुई है ना, देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन में बोला कि बैटरी इज कनेक्टेड, तो बैटरी जब कनेक्टेड होगी ना तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बदलने नहीं देती, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बदलने नहीं देती, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा। बिफोर द स्लैब अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो आफ्टर द स्लैब भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ही रहेगा। चलो पहली क्वांटिटी मैंने पूछी पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी क्वांटिटी में पूछ रहा हूँ कैपेसिटी, दूसरी क्वांटिटी में पूछ रहा हूँ कैपेसिटी, उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगी तो कितने टाइम इंक्रीज करेगी ये भी बताओ। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर इनिशियल कैपेसिटी सी है तो बाद में हो जाएगी के सी, बिल्कुल सही। तीसरी क्वांटिटी में पूछ रहा हूँ चार्ज, तीसरी क्वांटिटी में पूछ रहा हूँ चार्ज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही, चार्ज शुड बी इंक्रीजेस। यहां पर अपन चार्ज लिखेंगे शुरू में Q इक्वल टू सी वी, और यहां पे लिखेंगे Q डैश, वो लिखेंगे के सी इंटू वी, मतलब पुराने चार्ज का K टाइम, पुराने चार्ज का K टाइम,
चार्ज के टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज के बाद फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बताओ। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सेम और कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है ई बाई के। तो करेक्ट आंसर इज सेम, करेक्ट आंसर इज सेम, करेक्ट आंसर इज सेम। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया डायलेक्ट्रिक डालने के पहले यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है और डिस्टेंस भी है, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है और डिस्टेंस भी है, तो वी बाय डी तो कॉन्स्टेंट आएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी वी बाय डी इन बोथ केसेस। एक्चुअली चार्ज बड़ा है उससे क्या होगा कि जो डायलेक्ट्रिक के बिना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो बढ़ती, लेकिन डायलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी तो हो जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, समझे? बिल्कुल सही। चार्ज कॉन्स्टेंट, चार्ज बड़ा ही इसलिए था ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह जाए, बिल्कुल सही। चलो फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। पहले की एनर्जी यू कही मैंने, उसको लिख सकते हो आप हाफ सी वी स्क्वायर। तो बाद में जो एनर्जी हो जाएगी उसको यू डैश बोल दो, इट शुड बी हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर, वी तो कॉन्स्टेंट है, तो इट शुड बी के टाइम पुरानी एनर्जी। एनर्जी के टाइम बढ़ रही है, एनर्जी के टाइम इंक्रीज हो रही है। चलो ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको, और कुछ पूछ सकते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, मुझे लगता है ये सारी क्वांटिटी जो पूछी जा सकती है ना। हाँ, मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चंस है, बिल्कुल सही। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी मिलेंगे देखो आपको, है ना। इन क्वेश्चंस में आपको समझना पड़ता है कि क्या चीज कॉन्स्टेंट होगी, और जो कॉन्स्टेंट होगा उसके हिसाब से फिर चीजें डिस्कस करना पड़ती है। ठीक है, तो पहला अपन ने क्वेश्चन देखा जिसमें कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा था और डायरेक्टली स्लिप इंसर्ट करे तो क्या होगा, अपन ने समझा। अब इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखो। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बी, कैपेसिटर इज चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस बी, कैपेसिटर इज चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस बी। एक कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया, बैटरी से चार्ज कर दिया, देन बैटरी इज रिमूव्ड, देन बैटरी इज रिमूव्ड। अ कैपेसिटर इज चार्ज विद पोटेंशियल डिफरेंस बी, देन बैटरी इज रिमूव्ड, देन बैटरी इज रिमूव्ड। एंड नाउ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, एंड नाउ a dielectric slab is inserted between the plates, and now a dielectric slab is inserted between the plates. कैपेसिटर को पहले चार्ज कर दिया है, बैटरी हटा दी है, और अब डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो यही सारी क्वांटिटी आपको अब क्या होगी बताना है, बिफोर एंड आफ्टर बताना है, पूरा टेबल बनाना है आपको वापस से और बताते जाओ। बिफोर स्लैब एंड आफ्टर स्लैब सेम क्वांटिटी क्या होगी, बिफोर एंड आफ्टर सेम सारी चीजें बता दो। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि अब कैपेसिटर इज चार्ज विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बी, देन बैटरी इज रिमूव्ड। अब कैपेसिटर इज चार्ज विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बी, देन बैटरी इज रिमूव्ड, एंड नाउ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब अब इंसर्ट करिए। तो फिर आपको ये सारी क्वांटिटी के बारे में बताना है। पहली क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सबसे पहले कांस्टेंट क्या रहेगा वो लिख देता हूं। तो चार्ज कांस्टेंट होने वाला है, मैं जितनी क्वांटिटी लिखी थी एक बार वो सारी लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में लिखा है एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया बैटरी से और बैटरी हटा दी, तो चार्ज तो कोई जा नहीं सकता, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटी ऑफ कोर्स डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से बढ़ती है, कैसे होना चाहिए।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी और क्यू बाय के सी, तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस वी था, तब हो जाएगा वी बाय के सी, पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यू बाय सी, अब होगा क्यू बाय के सी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो ई बाय के हो जाएगी, है ना। एनर्जी की बात करो तो एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय टू सी से देख लेना, क्यू तो कॉन्स्टेंट है तो यहाँ क्यू स्क्वायर बाय टू ए सी लिखोगे, इसका मतलब पुरानी एनर्जी का बाय के हो जाएगी। चलो क्या सारी चीजें समझ में आ रही है, ओके वेरी गुड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी मिलते हैं, जैसे आज एक मेरे से डाउट भी पूछा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स की डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो वहां सब आपको यही सोचना है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है कि चार्ज कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपेसिटर इज चार्ज देन कुछ कराए और बैटरी के बारे में मेंशन नहीं है कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, तो आप तो यही मान लेना कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और बैटरी स्पेसिफिकली बताया है कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, फिर उसके हिसाब से चीजें देख लेंगे अपन, ठीक है। चलो मेरे पास एक डाउट आया, व्हाई चार्ज इज कांस्टेंट, बेटा चार्ज कांस्टेंट होगा ना क्योंकि बैटरी तुमने हटा दी ना, यहाँ से बैटरी रिमूव कर दी है, तो अब इसके प्लेट पे जो चार्ज आ गया है वो कैसे बदल सकता है। यहाँ पर कुछ चार्ज आ गया था प्लस क्यू और यहाँ कुछ चार्ज आ गया था माइनस क्यू, अब कोई तरीका ही नहीं है यहाँ से चार्ज को उधर जाने का, बैटरी नहीं कनेक्टेड है बीच में, कुछ कनेक्टेड ही नहीं बीच में, तो चार्ज चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही, चलो तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन को और देखना थे तो वो अपन ने देख लिए, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और बचता है बस डायलेक्ट्रिक में, वो अपन और डिस्कस करते हैं। ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है, देखो मैंने इस तरह से अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है तो डायलेक्ट्रिक स्लैब की टेंडेंसी होती है अपने आप ही कैपेसिटी के अंदर जाने की, अपने आप ही कैपेसिटी के अंदर जाने की, इसकी खुद की टेंडेंसी होती है खुद चले जाए कैपेसिटी के अंदर, क्यों होती है वो समझते हैं अपन। तो लिखो फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक। असाइनमेंट वन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे डायलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो, है ना। वो मैंने डायलेक्ट्रिक अलग से इसलिए लिख दिया था क्योंकि वो डायलेक्ट्रिक पढ़े बिना नहीं हो सकते थे, तो अब आप वो सब कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक, देखो अगर कैपेसिटर को चार्ज करा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से और डायलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से रखी है, तो कैपेसिटर के प्लेट्स पर प्लस माइनस क्यू चार्ज होंगे जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं, ये ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट्स के बीच में कन्फाइंड होती है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट्स के बीच में कन्फाइंड होती है? नहीं, इसका सही आंसर है एज इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी बाहर भी होती है, एज इफेक्ट की वजह से थोड़ी भी बाहर भी होती है। अगर मैं इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को फिलहाल हटा के दिखाऊं यहां पर, तो प्लेट्स के एकदम कॉर्नर पे जाके देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, वो इस तरह से कर्व लाइन हो जाती है, है ना। इस फिनोमेना को अपन ने शायद एज इफेक्ट नाम से पढ़ा था, याद है आपको, एज इफेक्ट नाम से हमने पढ़ा था इस फिनोमेना को, इस फिनोमेना को अपन बोलते थे एज इफेक्ट, ठीक है। चलो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, My screen is completely black, so I am rejoining. Okay, हाँ, just a second. ठीक है, so ये जो electric field है ना corner पे, इसकी वजह से बहुत कुछ चीजें हो जाती है। अगर हम यहाँ dielectric slab रखे, let's say मैं dielectric slab को close लेके आ गया capacitor की plates के, तो dielectric slab capacitor की plates के close आ गई है,
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से क्या होगा, अब वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेड लाइन से अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, तो मैं स्लैब को थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने स्लैब अलग से बनाई है, बट दिस डायरेक्टली स्लैब इज एट दिस प्लेस ओनली, है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इस तरह से जा रही है, एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, उसकी वजह से चार्ज इंडक्शन जैसी चीज होगी जिसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं। और पोलराइजेशन में हमने पढ़ा था कि वो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए जहां से इलेक्ट्रिक लाइन एंटर कर रही है वहां पर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रिक लाइन बाहर जा रही है वहां पर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब पर प्लस माइनस चार्ज इस तरह से आ जाएंगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे ही वो स्लैब कैपेसिटर के प्लेट्स के पास पहुंचेगी ये चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे। अब ये जो सरफेस पे चार्ज आ गए, इन चार्जेस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से इस स्लैब पे लगेगा एक फोर्स, और वो फोर्स इस स्लैब को एंटर करवा लेगा, खींच लेगा डायलेक्ट्रिक को बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। अपने आप ही ये कैपेसिटर के बीच में जाने की टेंडेंसी रखेगी डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो इस चार्जेस के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स ऐसा ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसकी टेंडेंसी हो जाएगी, इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसकी टेंडेंसी हो जाएगी अपने आप ही कैपेसिटर की प्लेट में जाने की। क्या ये लॉजिक समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो इस पे कुछ फोर्स लगने लगता है, अभी कितना फोर्स लगने लगता है वो अपन फाइंड करेंगे, कितना फोर्स लगने लगता है वो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ रचित, SHM जैसा कर सकता है ये, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी अपन ने समझा कि फोर्स कैसे लग रहा है, अब फोर्स कितना लगता है ये फाइंड करेंगे। तो फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ थोड़ा सीधा तरीका नहीं है अपने पास, है ना, हम थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजें निकालेंगे। देखो कैपेसिटर की होती है एनर्जी, कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाएगी तो कैपेसिटी चेंज होगी, कैपेसिटी चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जो फोर्स होगा वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस फोर्स को ऐसा मान सकते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रोसिटी में कंजर्वेटिव फोर्स जो पड़ा है उसके जैसा ही फोर्स है, और उसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रोसिटी का जो फोर्स है यहाँ उसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम फोर्स निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज से निकालेंगे, माइनस डीयू बाय डीएक्स, इस कॉन्सेप्ट से अपन फोर्स निकालते हैं। ये बात समझ में आई? डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे अपन, तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो आप फाइंड करते तो कैसे करेंगे उसके लिए मुझे पहले पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए और ये एक्स क्या ये पता होना चाहिए। तो एक्स डायलेक्ट्रिक स्लैब को कितना कैपेसिटर के अंदर रखा है वो डिस्टेंस एक्स है, एक्स इज द डिस्टेंस जितना डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर है। तो एक इन बिटवीन डायग्राम बनाता हूं मैं, बीच की सिचुएशन का कोई डायग्राम बनाता हूं। मान लो एक कैपेसिटर की प्लेट है और ये डायलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली अंदर लाइक दिस, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस इन साइड है, एक्स डिस्टेंस इन साइड है, ठीक है। टोटल जो कैपेसिटर का एरिया था वो ए था, तो मान लेते कैपेसिटर की प्लेट स्क्वायर शेप की है, ये स्क्वायर शेप की है, इसका जो एरिया था बेसिकली बी इन टू बी था, दिस हाइट इज बी एंड डेप्थ इज बी, दिस हाइट इज बी एंड डेप्थ इज बी। तो ये हाइट आपको बी दिख रही है और डेप्थ भी बी दिख रही है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो फिलहाल मैंने एल बोल दिया, मैं डी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं वो छोटा डिस्टेंस के लिए भी डी लिखता हूँ ना, तो डी से डी कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे एल लेके चल रहे हैं। ये मैंने इन बिटवीन कोई सिचुएशन बनाई। अब इस बीच की सिचुएशन में कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, पहले तो वो लिखते हैं अपन। बीच की सिचुएशन में कैपेसिटर की कैपेसिटी वो क्या होगी वो लिखते हैं। तो ये बता सकते हो क्या जल्दी सा, कुछ हिस्से में डायलेक्ट्रिक है एक्स डिस्टेंस में, कुछ हिस्से में एयर है कितने में, बी माइनस एक्स में, तो ये कैपेसिटी लिख सकते हैं। पैरेलल में डिवाइड कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस इंटू एरिया इंटू के कर दो। एयर में कितना एरिया है, बी माइनस एक्स लेंथ है, डेप्थ बी होगी, और के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक्स लेंथ में है, डेप्थ बी है। ये आई कैपेसिटी। ये समझ में आया क्या? यस बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, है ना। तो ये मैंने कैपेसिटी लिख दी जब डायलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट करके रखा है।
अब डायरेक्टली जैसे से अंदर आएगा कैपेसिटी का क्या होगा, चेंज होगी, कितनी क्या होगी, इंक्रीज करेगी कैपेसिटी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। चलो अब कैपेसिटी लिख ली अपन ने, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो चाहो तो। तो b कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट b बाय l, अंदर आ गया b माइनस x प्लस kx, ये आ गया, ये x को एक साथ ले लो k वाले टर्म्स में, तो ये आ जाएगा मेरे पास k माइनस वन इंटू x, k माइनस वन इंटू x, ये हमारी कैपेसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कैपेसिटर जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाएगी, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, और डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाने से कैपेसिटी बढ़ रही है, देखो ये x बढ़ेगा तो ये वाला टर्म k माइनस वन इट इज ग्रेटर देन वन, तो कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बढ़ने वाला है, जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक अंदर जाएगा कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ने वाला है, ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक अंदर जाएगा कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ने वाला है, यस। तो चार्ज बढ़ने की वजह से, चार्ज बढ़ने की वजह से बैटरी की जो टोटल एनर्जी है, बैटरी के अंदर जो एनर्जी वो कम होगी, बैटरी कुछ वर्क करेगी, am I right? बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी तो कुछ वर्क करेगी, यहां पर अगर कैपेसिटी में चेंज हुआ तो यहाँ पे चार्ज में चेंज होगा, कैपेसिटी की प्लेट पे जो चार्ज है उसमें चेंज होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू में, कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने के लिए बैटरी को चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, और बैटरी अगर चार्ज सप्लाई करेगी तो बैटरी की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। चल तो जैसे जैसे हम स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ने से कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो था हमारा वो था क्या था, देखो हाफ सी वी स्क्वायर, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटी बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी इंक्रीज, बट बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि बैटरी की जो एनर्जी का डिक्रीमेंट होगा, मैं यहां पर एनर्जी का चेंज निकालू कैपेसिटी के चेंज से, तो आप उसको लिख सकते हो डीयू इक्वल टू हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर, और बैटरी की एनर्जी का चेंज डीयू ऑफ बैटरी या सेल वो लिखोगे डी क्यू इंटू वी, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों का सम करके जब देखेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव टर्म आने वाला है, दोनों का सम करके देखेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव टर्म आने वाला है। यहां पर अगर मैं आगे लिखू ड्यू टू स्मॉल चेंज इन कैपेसिटी एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस बाय डी ऑफ सिस्टम हो जाएगा डी यू ऑफ कैपेसिटर प्लस डी यू ऑफ सेल, हमारे पास बैटरी भी कनेक्टेड है ना, तो उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ जाएगा, तो बैटरी और कैपेसिटर दोनों की जो एनर्जी का चेंज है उनका सम सिस्टम की एनर्जी का चेंज होगा। अब सेल की एनर्जी का चेंज क्या होगा, माइनस डी क्यू इंटू वी, कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज क्या होगा, डी यू, दोनों को एड करके टोटल एनर्जी का चेंज निकालो, तो डी यू ऑफ सिस्टम शुड इक्वल टू कैपेसिटी की एनर्जी का चेंज, ये लिखा है देखो हाफ डी सी वी स्क्वायर प्लस बैटरी की एनर्जी का चेंज इज माइनस डी क्यू इंटू वी स्क्वायर, और जो डी क्यू है उसको लिख सकते हैं अपन वी डी सी, जितना भी कैपेसिटी में चेंज हुआ है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना चार्ज में चेंज होगा, ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट करके ओवरऑल देखो नेगेटिव आने वाला है, माइनस डीसी इंटू वी स्क्वायर हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर, क्या ये समझ में आया। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन का सबसे टफ पार्ट यही है कि यहाँ पर बैटरी प्लस कैपेसिटर इज अ सिस्टम है, और सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वी स्क्वायर आएगा ना बेटा, अच्छा यहाँ ऊपर वी स्क्वायर नहीं आएगा, यस, और यहाँ वी स्क्वायर आएगा बिल्कुल, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से एक बार, क्या हुआ है, कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड थी, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम था, डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आने से, डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आने से ओवरऑल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर अकेले कैपेसिटर को देखते तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो ये
ये पॉजिटिव आ रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी यहाँ पॉजिटिव चेंज होगा, और सेल की एनर्जी कम हो रही है, मिलकर सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का, वो चाहता है कैपेसिटर की स्वैब अंदर आ जाए, सिस्टम अपनी टोटल एनर्जी नेगेटिव करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। चलो अच्छे से देख लो, कहीं कोई भी डाउट लग रहा है कि आपको, मैंने सब कुछ सही लिखा है, बैटरी की एनर्जी का चेंज ये सही लिखा है, छोटा सा चार्ज का चेंज ये भी सही लिखा है, हाँ सब कुछ सही लिख रहा हूँ। ये सबसे ट्रिकी पार्ट था यहाँ पे, सिस्टम की एनर्जी का चेंज, बस अब फोर्स निकालने के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखो अपने पास नाउ फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, माइनस डी यू ऑफ सिस्टम अपॉन डी एक्स, माइनस डी यू ऑफ सिस्टम अपॉन डी एक्स, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन था, वो यहाँ पे रखोगे जब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो ये प्लस में हो जाएगा, डी सी बाय डी एक्स इंटू वी स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, dc by dx into v square। अब dc by dx आप निकाल सकते हो, ये देखो c का एक्सप्रेशन लिखा है, तो यहां से dc by dx निकाल लो, मुझे उसकी जरूरत है, तो epsilon naught b by l, ये तो कांस्टेंट है, और k माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, ये उठा के वहां रख दो, तो तुम्हारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया, हाफ epsilon naught b by l into k माइनस वन into v square. This is the force with which capacitor is trying to pull the dielectric slab. बोलो समझ में आया क्या पूरा? अच्छे से देखो सब बच्चे, क्या क्या करा मैंने, कैपेसिटर में dielectric slab insert कर, dielectric slab के अपने आप अंदर जाने की tendency होती है, उस पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन में डिराइव करवा रहा था, कैसे डिराइव कर रहे हैं, फोर्स निकालने के लिए थोड़ा सा अपन ने ट्रिकी चीज यूज करी, पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज से निकाला, माइनस डी यू बाई डी एक्स से निकाला, तो जब डायलेक्ट्रिक स्लैब किसी एक्सिस्टेंस अंदर है तब की कैपेसिटी लिखी, फिर मैंने देखा जब डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाएगी तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ओनली देखेंगे तो वो तो बढ़ेगी पर बैटरी की एनर्जी कम होगी, तो ओवरऑल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, सिस्टम में पोटेंशियल का डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई स्लैब के अंदर अपने आप आने की टेंडेंसी है, और यहां देखो फोर्स फाइनली पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव फोर्स का मतलब ही है कि एक बढ़ने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। चलो अब मेरे पास एक बच्चे ने लिखा है बहुत स्मॉल फोर्स आ रहा है, हाँ ये छोटा आएगा, ठीक है आने तो छोटा है और कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक और चीज ध्यान से देखो, दिस इज कॉन्स्टेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स का कोई रोल ही नहीं है, तो कांस्टेंट फोर्स आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कांस्टेंट फोर्स से डायलेक्ट्रिक पुल होता है, ठीक है, यस। अच्छा ये जो मैंने पूरा डेरिवेशन कराया उसमें कैपेसिटर के साथ बैटरी अटैच थी, बैटरी इज ऑलरेडी अटैच और उसको अटैच रखा है, ऐसा भी होता है कभी कभी हमें बैटरी अटैच नहीं देते, एक अलग सिस्टम में भी फोर्स पूछ लेते हैं कभी हमसे जब बैटरी अटैच नहीं हो, विदाउट सेल वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, चार्ज है उसको ऑलरेडी, और डायलेक्ट्रिक स्लैब को उसके अंदर लेके जा रहे हैं, डायलेक्ट्रिक स्लैब के पास में रखी तो इसमें भी अट्रैक्शन का ही फोर्स आता है, ये भी ऊपर अंतराम अंदर जाने की कोशिश करती है, ये क्यों अंदर जाने की कोशिश करती है ये समझते हैं अपन, यहां पर अब कैपेसिटर पे चार्ज जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, बैटरी अटैच नहीं, ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट है, जब चार्ज कांस्टेंट होता है तो कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखोगे आप, वो q स्क्वायर बाय c से लिखेंगे ना, q स्क्वायर बाय 2c से, समझ रहे हो ये, ये मैंने जो लिखा समझ में आया, ज्यादा आप सोचो मत कि ये होगा कि वो होगा, आप जो मैं बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, पोटेंशियल एनर्जी आप q स्क्वायर बाय 2c से लिखेंगे और q तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर स्लैब अंदर आ गए तो कैपेसिटी तो वही लिखूंगा मैं वापस से, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा देखो कैपेसिटी का, dc by dx भी सेम चीज आएगी, कैपेसिटर में कैपेसिटी, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब थोड़ा डिस्टेंस अगर अंदर होगी तो कैपेसिटी का एक्सप्रेशन तो सेम ही होने वाला है, यही डायग्राम दिखेगा, ये वाला पोर्शन तो कॉमन हो जाएगा पूरा, है ना,
तो हमें कैपेसिटी का वेरिएशन तो पता है। अब स्लैब अंदर जाएगी, बैटरी तो है ही नहीं, अकेले कैपेसिटी की एनर्जी का चेंज होगा, तो यहाँ फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डी यू ऑफ कैपेसिटर बाय डी एक्स। तो कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो माइनस लगा के, माइनस क्यू कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, डिनोमीटर में सी है, तो सी की पावर माइनस वन है, सी की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, एक्स के साथ करना है, अभी मान लो सी के साथ करना है, सी की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन माइनस वन आगे लाएंगे सी की पावर माइनस टू इंटू सी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अच्छे से समझ में आ रहा है, ये वन अपॉन सी था, सी की पावर माइनस वन थी, उसका डिफरेंशिएशन करा माइनस वन इंटू सी की पावर माइनस टू डी सी बाई डी एक्स। ठीक है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन माइनस और ये माइनस देखो प्लस हो गया, सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। अभी भी फोर्स प्लस का ही आ गया, देखो अभी भी फोर्स पॉजिटिव आ गया, और क्यू बाय सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो क्यू बाय सी तो होगा, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ गया, ये उसको लिख देंगे अपन क्यू स्क्वायर बाय सी, तो हाफ डी सी बाय डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब की बार फोर्स कांस्टेंट जैसा नहीं है, देखो ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो dc by dx का टर्म है ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट है, dc by dx का टर्म तो कांस्टेंट है, लेकिन जो v है ना q by c, इसमें c वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, अब जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा, आप dc by dx की वैल्यू चाहो तो ये लिख दो, एप्सिलॉन नॉट बी बाय एल इंटू के माइनस वन, ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो क्यू कॉन्स्टेंट है उसका स्क्वायर लिखो न्यूमरेटर में, और नीचे सी का स्क्वायर, तो सी का जो पूरा एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर नीचे आएगा, तो एक्स के टर्म में आएगी, देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, नीचे सी स्क्वायर है तो एक्स के टर्म में आएगी, समझ पा रहे हो, वो सी का पूरा एक्सप्रेशन आप उठा के रख देना वहां पे। चलो बोलो क्लियर हो रहा है, देखो अच्छे से, क्या कहीं पे कोई भी डाउट, फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक कैसे डिराइव करा पूरे समझ में आ रहा है, चलो बच्चों का जवाब आ रहा है, यस वेरी गुड। ठीक है, याद रखने के लिए क्या करें, अब याद कैसे रखें इस एक्सप्रेशन को, तो याद रखने का ये तरीका बहुत अच्छा है कि फोर्स होता है हाफ डीसी बाय डी एक्स इंटू वी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन याद रखने के लिए अच्छा है, क्योंकि dc by dx तो तुम हर बार निकाल सकते हो, कैसे कैसे ये कैपेसिटी लिख के dc by dx तो निकाल सकते हो, और दोनों ही एक्सप्रेशन चाहे विदाउट सेल देखे अपन या विद सेल देखे, फाइनली देखो एक्सप्रेशन ये आ जाता है मेरे पास, तो दोनों तरीकों में कॉमन फॉर्मूला है, इसलिए इसको याद रखो ज्यादा बेटर रहेगा, हाफ dc by dx into v square, और फिर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन dc by dx की वैल्यू पुट कर देना और v की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, चलो देवेश बोल रहा है एफ पॉजिटिव आ रहा है तो रिपल्सिव, नहीं बेटा यहाँ एफ पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव, यहाँ पर मैंने एक्स को ये डिस्टेंस मानी थी, तो फोर्स पॉजिटिव का मतलब कि एक बढ़ने की टेंडेंसी आएगी, एक्स की डायरेक्शन में आएगा, फोर्स पॉजिटिव का मतलब है एक्स की डायरेक्शन में, एक्स इंक्रीज हो ऐसा फोर्स है। ठीक है, डी चलो देवेश समझ में आया, यस ओके, चलो तो इस तरह के क्वेश्चन है, देखो आपके मॉड्यूल में फोर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छा उसमें कैपेसिटी वेरिएशन के भी क्वेश्चन है, ये कैपेसिटी का जो इक्वेशन आ गई थी ना, तो जैसे जैसे स्लैब अंदर जाएगी तो कैपेसिटी का ग्राफ क्या बनेगा,
देखो यहाँ पे कैपेसिटी का ग्राफ लीनियर बनेगा एक्स के साथ लीनियर ग्राफ बनेगा, तो ये भी बता सकते हो आप कैपेसिटी एक्स के साथ बढ़ते जाएगी। ठीक है सर, अंशुल पूछ रहा है यहाँ भी तो कांस्टेंट है ना फोर्स। अंशुल कैसे, अंशुल कांस्टेंट कैसे आ रहा है बेटा, आप कैसे बोल रहे हो कांस्टेंट है फोर्स? अंशुल कांस्टेंट कैसे दिख रहा है आपको? बताओ अंशुल, सब चीज कांस्टेंट ही तो है? नहीं बेटा, देखो डीसी बाय डीएक्स तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वी है ना क्यू बाय सी, तो क्यू कांस्टेंट है बट सी कांस्टेंट नहीं ना। जैसे जैसे डायरेक्ट्रिक्स जब अंदर जाएगी तो सी चेंज होगी ना, है ना। ये एक्सप्रेशन में देखो ये सी वेरिएबल है, ठीक है चलो ओके। तो एक तो अपन को ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना था डायरेक्ट्रिक पे फोर्स का। अब टाइम है हमारे पास, आपका होमवर्क बता देता हूँ, बिगिन अबाउट पूरा हो जाएगा, फाइव वाला है शायद, है ना, फाइव वाला पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट पूरा ही मतलब कैपेसिटर चैप्टर अपने लिए हो गया है, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन और करना है हमको, तो ये सब हटा दो, डायरेक्ट्रिक पे फोर्स का एक वेरिएशन मुझे बताना है। अच्छा देवेश बोल रहा है वेट, ओके स्टार्टिंग वाला पोर्शन हटा देते हैं। आप अगर एससी वर्मा बुक देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी बहुत शायद गलती है एससी वर्मा की, है ना, कुछ गड़बड़ है। बीच में किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था वो क्वेश्चन, जब कैपेसिटर में हुआ नहीं था अपना ये पोर्शन, तो अपन वो पोर्शन देखते हैं। एक क्वेश्चन है एससी वर्मा में कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स को शायद वी पोटेंशियल डिफरेंस पर रख रखा है, यहाँ पर चार्ज है कुछ प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस कैपेसिटी की जो लोअर प्लेट है ना, उसको धीरे से एक लिक्विड की सरफेस पर टच करा दिया, धीरे से एक लिक्विड की सरफेस पर टच करा दिया, और लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, तो लिक्विड जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटर की फोर्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक लिक्विड का ऐसा शेप एक्वायर हो गया है, डायलेक्ट्रिक लिक्विड कुछ इस तरह के शेप को एक्वायर कर लेता है। डायलेक्ट्रिक इस तरह के शेप को एक्वायर कर लेता है ना। आप एचसीवी के इलस्ट्रेशन में देखना तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक डायलेक्ट्रिक लिक्विड है, उस डायलेक्ट्रिक लिक्विड में कैपेसिटर की लोअर प्लेट को जस्ट इंसर्ट कर दिया, तो डायलेक्ट्रिक लिक्विड पे जो चार्जेस इंड्यूस होंगे, जो चार्जेस पोलराइजेशन की वजह से आएंगे, उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और वो डायलेक्ट्रिक चाहता है कैपेसिटर की प्लेट को भरना, तो इस तरह का शेप एक्वायर कर लेता है ना। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हाइट आ जाएगी डायलेक्ट्रिक की, उसमें शायद हाइट वाइट पूछी है, डेंसिटी वगैरह दे रखी है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ग्रेविटी जी है वो दे रखा है, और भी जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, प्लेट का एरिया ले लो ए है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कुछ ले लो अगर चाहिए तो डी है, ठीक है। चलो ये कुछ अपन को डाटा वाटा सब दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी है, ग्रेविटी भी दी है, अब हमको पता करना है हाइट क्या होगी, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस, गोपाल ने बिल्कुल सही बोला भाई, जो भी इस लिक्विड पे फोर्स लग रहा होगा वो mg को, लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, सिंपल सी बात है ना, फोर्स इक्वल टू mg कर देंगे। अब फोर्स कैसे लिखे, ये डायलेक्ट्रिक को देखोगे तो डायलेक्ट्रिक की ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज पोलराइजेशन की वजह से आएगा, और नीचे वाली सरफेस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डायलेक्ट्रिक पे यहाँ माइनस क्यूपी चार्ज आएगा और यहाँ प्लस क्यूपी चार्ज आएगा, ये फोर्सेस आएंगे, ये चार्जेस आएंगे। अब किस पे फोर्स लिखे, अच्छा ये चार्जेस क्यूपी और माइनस क्यूपी जो है वो तुम तो निकाल सकते हो ना, ये मैंने याद करो बताया था आपको पिछली क्लास में, बोलो सरफेस टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं दिया है ना,
तो ये चार्जेस क्यूपी और माइनस क्यूपी तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताए थे, वहां से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट आपको पता है के, उस के का यूज करके चार्जेस की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। और जो क्यूपी था वो मैंने बताया था कि कैपेसिटर की प्लेट पर अगर चार्ज क्यू है तो क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के, ये रिलेशन होता है इसका। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ का चार्ज पता है, यहाँ का चार्ज पता है। अब इस पूरे जो लिक्विड है, उस लिक्विड के ये वाले जो चार्जेस है इन पर इस प्लस की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है, ये माइनस और प्लस मिलकर जो इफेक्टिव चार्ज आएगा वो भी नेगेटिव होगा, उसकी वजह से भी ऊपर फोर्स लगेगा। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो माइनस क्यूपी है, माइनस क्यू है, और डायलेक्ट्रिक का चार्ज प्लस क्यूपी, इन दोनों का मिलकर एडिशन कर देना यहां पर, तो नेट चार्ज यहां पर कितना है वो पता चल जाएगा। ये क्यूपी हमेशा इस क्यू से छोटा होगा, इसलिए नेट चार्ज यहां पर नेगेटिव आने वाला है। यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट इस नेगेटिव चार्ज पर ऊपर की तरफ फोर्स आने वाला है, वो फोर्स आप निकाल सकते हो। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, और चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। समझ मेरी बात है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, एक सिर्फ सिग्मा चार्ज डेंसिटी की सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो ओनली इधर के जो चार्ज है उसकी वजह से यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मान लो इवन, तो इवन होना चाहिए q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहां से नेट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मान लो e2, वो नीचे की तरफ होगी, ऊपर नहीं आएगी डायरेक्शन, फोर्स उसका ऊपर की तरफ आएगा, वो e2 होगी यहां का नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, q माइनस qp अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग से कोई लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट कंसीडर कर चुके हो, चार्ज इंड्यूस होना, चार्ज पोलराइजेशन की वजह से जो आता है उसको कंसीडर कर चुके हो। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ जो फोर्स आएगा ईवन की वजह से मिल जाएगा, ई टू की वजह से फोर्स मिल जाएगा, दोनों फोर्स एड करो, फोर्स इक्वल टू एम जी कर दो। समझ में आ रहा है? एफ को लिखोगे क्यूपी इंटू ईवन प्लस ई टू, दैट शुड बी एम जी। और मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इनटू जी। चलो यहां से फोर्स आपको मिल जाएगा हाइट। चलो कुछ समझ में आ रहा है ये? अच्छे से देखो सब। हाँ सो हम बिल्कुल सही, एससीबी का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो वो क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने क्लास में उसको करवा दिया। तो समझो अच्छे से क्या करा है अपन ने, डायलेक्ट्रिक एक लिक्विड था, लिक्विड अपने आप राइज कर जाएगा कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स, और फिर वो फोर्स इक्वल टू एमजी करके अपन ने हाइट निकाल दी। यस अथर्व बोल रहा है ये क्वेश्चन एससीबी रोडो दोनों में है, एससीबी में गलती है, एससीबी के कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, मुझे ऐसा दिखता है, आप देखना शायद यहाँ से आंसर एससीबी से मैच नहीं करेगा। ठीक है, गलती क्या है, उन्होंने शायद नीचे का चार्ज कुछ गलत किया है, यहाँ पे चार्ज कुछ तो मिस्टेक करिए, मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन हो गया क्योंकि, तो कुछ मिस्टेक है आप देखना। ठीक है चलो ओके, क्वेश्चन क्लियर? ओके चलो, अपने पास 10 मिनट 5 मिनट कुछ है समय, तो अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक भरने वाले क्वेश्चन भी देखे थे अपन, वो देखते हैं, ये हटा रहा हूं इधर का क्वेश्चन में। यशवर्धन पूछ रहा है ई वन ई टू समझा दीजिए, ये ई वन लिखा है मैंने इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों चार्ज का जो इफेक्टिव चार्ज बनेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू लिखी है, इन दोनों चार्ज का जो है इफेक्टिव चार्ज बनेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू लिखी है। तो एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी की सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा मतलब क्यू बाय ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ई वन और ई टू लिखा है। ठीक है चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ स्फेरिकल कैपेसिटर, मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस 3r, इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस 3r है। ठीक है,
अंदर वाले स्फीयर को हम हायर पोटेंशियल पर रख रहे हैं और बाहर वाले स्फीयर को हम लो पोटेंशियल पर रख रहे हैं बाय बैटरी, ठीक है। ये सिचुएशन है, मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, अंदर वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस पी आर। तो आप जानते हो इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, अगर बीच में एयर भरी है तो आप इसकी कैपेसिटी लिख सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसी में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से भर रहा हूं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से मैं इसे फिल कर रहा हूं, बट मैंने इसे पार्शियली फिल करा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से मैंने इसे पार्शियली फिल करा लाइक दिस। डायरेक्ट्री कॉन्स्टेंट के मीडियम से मैंने पार्शियली फिल करा, कितनी रेडियस तक फिल करा, 2R रेडियस तक फिल करा। अब इसकी कैपेसिटी क्या आएगी बताओ, पार्शियल फिल करा है स्फेरिकल कैपेसिटर, अब इसकी कैपेसिटी क्या आएगी बताओ, चलो आंसर आ गया मेरे पास, एक सम्यक का आंसर आ चुका है, देखते हैं। रचित का भी आंसर आया, वेरी गुड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हमने पार्शियल डायरेक्ट्रिक फिल करने वाले केसेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखे थे, स्फेरिकल में कैसे करें, क्या मान ले इसको, दो कैपेसिटर पैरेलल में नहीं, दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे, यहां पे डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, यहां पर ध्यान से देखो द गैप बिटवीन कैपेसिटर वो डिवाइड हो रही है डायरेक्ट्रिक और एयर में, तो डिस्टेंस डिवीजन का केस है, यहाँ सीरीज में मानना पड़ेगा आपको, तो आपको मानना पड़ेगा दो कैपेसिटर सीरीज में है, C1 C2, C1 कैपेसिटर हो जाएगा R और 2R रेडियस का जिसमें डायरेक्ट्री घुसा हुआ है, तो हो जाएगा K टाइम एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB हो जाता है 2R into R अपॉन B माइनस A, और C2 हो जाएगा एयर वाला डायरेक्ट्री, तो 1 into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB 3R into 2R अपॉन 3R माइनस 2R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ये होती थी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A into B अपॉन B माइनस A, ये होती थी कैपेसिटी स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो 2R और R रेडियस मान ली मैंने, उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है, और फिर 3R और 2R के बीच में एयर भरी हुई, और ये दोनों कैपेसिटी पैरेलल सीरीज में है, सॉरी तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट निकाल लेना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके,
समझ में आ रहा है सर? सीरीज में क्यू होगा, ये आप देखो ना कि जो बीच की डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस को हमने डायलेक्ट्रिक और एयर में डिवाइड करा है ना, डायलेक्ट्रिक और एयर में डिवाइड करा। यहां पर मैं अगर यहां पर एक बाउंड्री जैसी मान लू तो यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी सेम है, चार्ज सेम है ना। जो चार्ज यहां आया है, मैं अगर यहां पर एक शेल जैसा मान लू तो जो चार्ज यहां आया उसका नेगेटिव और उसी का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज वाला केस है ये। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी सेम आ रहा है इन पोर्शन के बीच। चलो बहुत बढ़िया, तो इसकी कैपेसिटी लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक दो मिनट है हमारे पास। एक मेरे पास आर रेडियस का स्फीयर है, मेटल स्फीयर है आर रेडियस का, और उस आर रेडियस के मेटल स्फीयर के बाहर 2R रेडियस तक मैंने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है। 2R रेडियस तक एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है, बीच में R रेडियस का मेटल स्फीयर है, और फिर इंफिनिट का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने एक R रेडियस का मेटल स्फीयर लिया, उसके बाहर 2R रेडियस तक मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है, और फिर इंफिनिट तक कुछ भी नहीं है, सब जगह फ्री स्पेस है। बताओ इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, बताओ इसकी कैपेसिटी क्या आएगी। इसकी कैपेसिटी क्या आएगी? अब ये इन्फिनिटी तक कुछ भी नहीं, यहां पर सिर्फ एक मेटल स्फीयर है, उसकी कैपेसिटी पूछ ली। सोहम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोहम। गोपाल नहीं बेटा, ये आंसर कैपेसिटी का दे रहे हो क्या गोपाल? तो आपका आंसर गलत है अगर कैपेसिटी का लिख रहे हो तो। बैटरी जरूर थोड़ी बताऊं मैं भाई, एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी तो पूछ सकता हूँ ना आपसे मैं, एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी तो पूछ सकता हूँ ना। आपको बैटरी मानना है तो मान लो कि इसको हायर पोटेंशियल वी पे रखा था और बैटरी का दूसरा एंड ग्राउंड कर रखा है। जब सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी पूछते हैं तो यही मानते हैं अपन की बैटरी लगाएंगे और दूसरा एंड ग्राउंड करेंगे। तो दिस क्वेश्चन, अब मेरे पास टाइम कम है तो जल्दी से बता देता हूं मैं, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस जो दूसरा स्फीयर है ना 3R के बदले वो इन्फिनिटी पर है, दूसरा स्फीयर जो था ना वो 3R के बदले इन्फिनिटी पर है। ये 3R रेडियस को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, है ना, तो वो इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल जीरो वाला कंडीशन हो गई। ये ग्राउंडिंग करना मतलब जीरो पोटेंशियल, तो बैटरी का दूसरा एंड जीरो पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी पर है, तो इसकी कैपेसिटी सेम आएगी, बस इसमें जो पुट CR टेंडिंग टू इन्फिनिटी, R टेंडिंग टू इन्फिनिटी मत लगा देना, ये करोगे तो गलत कर लोगे आप। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना इसमें 3R को इन्फिनिटी डाल देना तो जो कैपेसिटी आएगी वो इस टाइम, समझ में आया कुछ? लॉजिक समझ में आ रहा है जल्दी से बताओ। चलो मैंने कुछ आइडिया दिया है आपको, ट्राई करना, नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका बिगिन अबाउट 5G हो गया, देखो पूरा तो कैपेसिटर अपना पूरा हो गया है, उसका पूरा मॉड्यूल कर सकते हो, HC भी पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास से RC सर्किट स्टार्ट कराऊंगा, दो लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर लगेंगे मेरे को RC सर्किट पूरा कराने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन RC सर्किट करने वाले हैं, और आज अच्छा वैभव बोल रहा है HC भी कंप्लीट कर ली उसने, वेरी गुड। हाँ तो हम वैसे भी कर सकते थे बिल्कुल, ठीक है। तो आज अपना डिस्कशन क्लास है, तो डिस्कशन क्लास में जितना आप करके आ जाओगे उतना डिस्कस कर लेंगे अपन। तो आपको जो जो मिला है अभी तक, असाइनमेंट मिला है, रेस वगैरह जो भी चीजें हैं आपके पास, जो पेंडिंग डाउट्स है वो सब करके ले आना। HCV में कोई हार्ड एंड फास्ट में दे नहीं रहा हूँ आपको कि इतना ही करना है, आप जितना कर लिया है उसके जो डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। आज CE की QB बोली है, अच्छा CE की QB बोली मैंने, तो वो डिस्कस करेंगे अपन, करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, ओके बच्चों फिर मिलते हैं, और
बाकी फिर कैपेसिटी का चार्ज।